आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था। एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण देवता थे जिनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। उनकी धर्म पत्नी थी, धर्म पत्नी का नाम था धुंधली देवी। क्या नाम? धुंधली। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम धुंधली वैसे ही धुंधली हती। ब्राह्मण देवता के पास मकान था, बंगला थे, घोड़ा गाड़ी, नाम था, आचार थे कर्मकांडी, लेकिन एक ही कमी थी, कोई संतान नहीं थी। और संतान को लेकर ब्राह्मण इतने परेशान थे कि गौ माता भी घर पर ले आए तो गाय कुछ दिनों तक तो दूध देती थी, और बाद में गाय भी नव जन्मित बछड़े देना बंद कर देती थी। अगर ये पेड़ लगाते थे तो कर्म के इतने हीन के पेड़ में फल ही नहीं लगते। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते। पति बिन सुनी मांग, पुत्र बिन है घर सोना। पति के बिना सुनी मांग रहती, पुत्र के बिना घर सोना रहता। ब्राह्मण देवता दिन ना रात, संतान नहीं है, संतान नहीं है, इसी बात को लेकर के रोते रहते। अच्छा, पड़ोसी भी बड़े विचित्र होते। जले पर नमक छिड़कने का काम अगर अच्छे से कोई करता है तो वो पड़ोसी, पड़ोसी ताना देते। सुबह सुबह मुंह देख ले तो ताना दे। किसका मुंह देख लिया बताओ? तो ऐसों का मुंह देख लिया, अब तो दिन ही खराब जाना है। बेचारे ब्राह्मण देवता देरी से निकलते घर से बाहर। एक दिन मन में विचार किया, इससे अच्छा तो मर जाना ठीक है। मरने के लिए ब्राह्मण देवता बन गए। वन में जाकर के एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठकर रोने लगे। हे गोविंद, हे मधुसूदन, हे माधव, हे मुरारी, हे मोहन, ना जाने हमने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके परिणाम स्वरूप हमारी कोई संतति नहीं है। ब्राह्मण देवता तो बड़े भावक थे, धर्मात्मा भी थे, लेकिन इनकी धर्म पत्नी बड़ी विचित्र। जब तक पड़ोसी से लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक वो रसोई में प्रवेश ही नहीं करती थी। महा लड़ंकू। अच्छा, कई लोग होते ही ऐसे, नाम कई लोगों के बड़े अच्छे होते हैं पर नाम का अर्थ बड़ा उल्टा होता उनका। एक जनों का नाम था शांति बाई, और जहां जाती थी क्रांति फैलाती जाती थी। किसी ने पूछा कि क्या नाम है, बोले शांति, और जहां जाए सो क्रांति सी फैलाए। धुंधली देवी भी ऐसी ही विचित्र, वो तो इतनी विचित्र के लड़ाई लड़े सो तो ठीक है, एक मटका रख लें मिट्टी का, उसमें पानी भर लें, एक गिलास डाल लें और बगल में चपा कर निकलें बाहर। तो लोग पूछे कि ये पानी का मटका क्या? बोले जब गाली बकते हैं तो गला सूखता है, गला सूखता है तो पानी की जरूरत पड़ती है। तो भाई पानी की जरूरत पड़ती, भीतर जाके पिया फिर आ जा। बोले बा, भीतर जाएंगे पानी पिएंगे आएंगे तब तक ये तमाशा देखने वाले नहीं भाग जाएंगे, गाली कौन सुनेगा। ऐसे ही हमारे एक बार टिल्लू गुरु ने एक बार एक आचार्य जी के चरण पकड़े संत के, बोले महाराज हमें संस्कृत सिखाओ संस्कृत। हो आचार्य जी बोले क्यों भाई टिल्लू गुरु, तुम संस्कृत क्यों सीखना चाहते? टिल्लू गुरु बोले महाराज संस्कृत हम इसलिए सीखना चाहते कि हमने सुना है देवता संस्कृत समझते हैं, और कहीं अगर हम स्वर्ग गए तो बात कैसे करेंगे, स्वर्ग जाएं तो संस्कृत आनी चाहिए, कम से कम उनसे बात तो कर सके। तो संत ने पूछा कि जरूरी थोड़ी है तुम स्वर्ग जाओगे, अगर नरक गए तो? बोले होते वहां की टेंशन नहीं है, गालियों में तो हमने PhD कर ली है। हाँ, नरक जाएंगे तो प्रॉब्लम ही नहीं है, हम तो सीधी गाली दे करके ही बुलाएंगे, लेकिन अगर स्वर्ग चले गए तो दिक्कत है कि पानी मांगाएंगे तो कैसे मांगेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। कुछ लोग ऐसे भी होते, तो धुंधली देवी भी वैसी ही। लेकिन ब्राह्मण देवता वन में बैठे बैठे रो रहे, कोई संतान नहीं है। एक महात्मा आए, महात्मा ने दूर से देखा, अरे 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 कोई ब्राह्मण बैठा है, मस्तक पर तिलक है, कंठी माला है, लगता है कोई भगवान का भक्त बैठा है, जाना चाहिए, पूछना चाहिए, क्यों रो रहे हो? अरे ब्राह्मण देवता,
क्यों रो रहे हो? भगवान की याद में रो रहे हो? महाराज कुछ नहीं बोला ब्राह्मण देवता ने। अच्छा अच्छा, भक्ति पाने के लिए रो रहे हो? नहीं महाराज। फिर महाराज अपनी किस्मत पर रो रहे हैं। किस्मत पर? महाराज हम किस्मत पर इस बात पर रो रहे हैं कि हमारे संतान क्यों नहीं है, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है। महात्मा माथा पीटने लगे, हम तो सोच रहे थे ये भगवान का भक्त रो रहा है, ये तो बेटा का भक्त रो रहा है। अरे पंडित जी, बेटा बेटा किसी के काम नहीं आते, ये बेटा बड़े बेकार होते हैं, इनके चक्कर में जिंदगी भर रोना पड़ता है। ब्राह्मण देवता को महात्मा समझाने लगे, अरे ब्राह्मण देवता आप परेशान ना होइए, बेटा किसी के नहीं भाई। ब्राह्मण देवता नहीं माने, महाराज आप तो ठहरे साधु, साधु क्या जाने बालक का सुख, आप तो बैरागी महात्मा है, जब पापा पापा कहता हुआ बेटा गोद में आता है तो कान में रसगुल्ला सा घुल जाता है। अच्छा हाँ महाराज, आप बताओ हमारे संतति कब होएगी, भाग देखो जरा। ब्राह्मण देवता की बात सुनकर के मस्तक की रेखाएं तो पड़ी महात्मा ने, पर पता है क्या पड़ा? सत्य जन्मान अवधि नहीं वचा। ब्राह्मण देवता एक जन्म तो एक जन्म, तुम्हारे भाग में 7 जन्म तक कोई संतति नहीं है, 7 जन्म तक। ओ हो, अब तो ब्राह्मण देवता ने अपना मस्तक लिया, धड़ाम से चरणों में पटक दिया। डर गए महात्मा, हे ब्राह्मण देवता क्या कर रहे हो, ये इतना जोर से सिर पटक रहे हो? महाराज पहले तो हमारा दुख 1 ही गुना था, अब तो 7 गुना और बढ़ गया। आप कह रहे कि 7 जन्म तक कोई संतति नहीं है, हमारा तो जीना ही बेकार है। महाराज अब तैयार हो जाइए। महात्मा बोले किस लिए? ब्रह्म हत्या भोगने के लिए। महात्मा आफत में पड़ गए, भाई ये ब्रह्म हत्या किस लिए? महाराज हमने सुना संतों की वाणी पर भगवान को विचार करना पड़ता, तो या तो आशीर्वाद दो के जाओ तुम्हारे बेटा होगा, नहीं तो ब्रह्म हत्या भोगने को तैयार, हम तुम्हारे चरणों में प्राण त्याग देंगे। महात्मा बोले अच्छी खाद ऊपर पड़ गई, अच्छे खाद से चले जा रहे, भगवान का भक्त समझ कर आए जो तो बेटा को भक्त निकलो। अच्छा निकलो सो ठीक, ये भाग पड़ना बेकार हो गया। और सच है कई बार किसी का भविष्य बताना बड़ा आफत में होता है, जैसे बता दो कि भाई तुम्हारे भाग में नहीं है। महाराज कैसे नहीं है, आप करो सब हो जाएगा, आप कह दो सब हो जाएगा, आप चाहो हो ही ना, ठटरी के बरे जब है ही नहीं है का चाहो। लेकिन भाव है तो ब्राह्मण देवता महात्मा से बोले, महाराज हमने सुना संतों की वाणी पर भगवान को भी विचार करना पड़ता है, ये सत्य है। भैया संतों की वाणी पर भगवान को विचार करना पड़ता, और संत अपने मुख से जो कह दे वो हो ही जाता है। आप कह दो, संत भगवान ने एक फल निकाला ब्राह्मण को दे दिया, जाओ अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो तुम्हारे घर पर भी एक पुत्र होगा। जय हो महाराज। महाराज नियम क्या करने हैं? ज्यादा कोई नियम नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन करना, मंत्र का जाप करना और सत्यवादी बनना, सत्य बोलना। हाँ ये फल अपने ही सामने खवा देना, जो आज्ञा महाराज। मारे खुशी के ब्राह्मण देवता घर गए, फल लिया, धर्म पत्नी को दे दिया, देवी जी इसे पालो अभी, क्या होगा नाथ? धुंधली देवी ने पूछा इससे क्या होगा महाराज? देवी जी ये संत का प्रसाद है, फल के पाने से अपने घर पर भी किलकारियां गूंजेंगी, घर पर भी 9 माह बाद एक बेटा होगा। अब धुंधली पड़ गई चिंता में, अपने पति को बहला फुसला करके तो सीताराम बात टाल मटोल कर दी। ब्राह्मण देवता सीधे साधे आदमी, गांव में जाकर के ब्राह्मण देवता ने सबको बताया कि
अब 9 माह बाद हमारे घर पर भी किलकारियां गूंजेंगी तो सब बधाई देने लगे। अब धुंधली लिए फल बैठी, खाऊं कि ना खाऊं, इतने में पड़ोसन आ गई। अरे बहन बड़ी चिंता में बैठी दिख रही, का हो गो? पड़ोसन को देख करके धुंधली के चेहरे पर चमक आई। अरे बहन तू बढ़िया आ गई, मैं बड़ी चिंता में रही अभी तक। हमारे स्वामी जी ये फल लाए हैं, उन्होंने कहा इसे खा लो संतान होगी। अब तू ही बता कहीं फल खाने से संतान होती है? पड़ोसन ने कहा इसमें दिक्कत क्या है, संतों का प्रसाद है पालो, शायद भगवान कृपा कर दें। और बोले शायद तो छोड़, ये बता हमने सुना जो स्त्री गर्भवती हो जाती है वो दौड़ नहीं पाती है, भाग नहीं पाती। पड़ोसन मुस्कुरा करके बोली तुझे कौन सा आर्मी में भर्ती होने जाना है जो दौड़ लगानी? तो धुंधली ने कहा आर्मी में तो नहीं जाना है, लेकिन शायद घर में आग लग गई, सब तो भाग जाएंगे, मैं जलकर के राख हो जाऊंगी। पड़ोसन ने कहा गारंटी थोड़ी है कि आग लगेगी। तो धुंधली बोली तू गारंटी ले ले कि नहीं लगेगी। पड़ोसन ने सोचा शायद मैंने अगर गारंटी ले भी ली तो ये गारंटी मिटाने के चक्कर में खुद लगा देगी, इसलिए गारंटी लू तो लू क्यों। पड़ोसन ने कहा मैं गारंटी नहीं ले सकता। अच्छा छोड़ बहन, सुन हमने सुना जो स्त्री गर्भवती हो जाती है प्रसव के समय उसका पुनर्जन्म होता है, असहनीय पीड़ा होती है, तो उसमें दिक्कत क्या है? शायद मैं मर गई तो? पड़ोसन ने कहा देखिए उल्टी सीधी बातें मत सोच, संतों का प्रसाद है पा, मरना जीना सब राम जी के हाथ में। धुंधली बोली अच्छा अच्छा एक बात, हमने सुना जो स्त्री गर्भवती हो जाती वो फिर कुरूपवान दिखती है, सुंदर नहीं दिखती। पड़ोसन माथा पीटने लगी, तुझे सुंदरता देखनी है अपनी या संतति चाहिए? क्या बताऊं? पड़ोसन झल्ला करके भग गई, तुझे जो करना है सो कर, मेरे तो दिमाग से बाहर है। इतने में धुंधली देवी की एक बहन आई और बहन पर भगवान की बड़ी कृपा, 2 बच्चा उसके आगे चल रहे पैदल, छोटे छोटे, एक थोड़ा बड़ा एक छोटा, एक बच्चा उसका अंगुली पकड़े उसी का भी, एक को घर पर छोड़कर आई है बड़े वाले, एक को गोद में लिए है और एक कोख में पल रहा, पूरी क्रिकेट टीम तैयार कर रही। सरकार तो कह रही है बच्चे 2 ही अच्छे सरकार, पर हम कहते हैं 2 नहीं 3 या 4 हो, एक सनातन संस्कृति के लिए समर्पित होना चाहिए। हाँ, एक हिंदू राष्ट्र के लिए समर्पित करो बच्चे को, एक सनातन संस्कृति को समर्पित करो, 2 बच्चों को घर पर रखो, उनसे नौकरी वोकरी जो तुम्हें करवाना है सो करवा, हमारा हाँ। बोलो सीताराम। तो धुंधली देवी आई, अरे बहन आ गई आ गई, आजा 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 आ बैठ, विराज विराज, कैसी हो बहन? बढ़िया है, आज बड़ी चिंता में बैठी धुंधली तू। बहन मैं का बताऊं, मेरे स्वामी मेरे पति ये फल लाए हैं, उन्होंने कहा इसको खा लेना संतान हो जाएगी, किसी महात्मा का दिया है, अब तू बता कहीं फल खाने से संतान होती है? धुंधली की बहन तो चाहती थी कि ईश्वर करे इसके कोई संतान ना हो, ताकि 1-2 बच्चे हमारे यहीं सेट हो जाए, इसकी संपत्ति पर इसका माल मटेरियल हमारा हो जाए। तुरंत भाव बदल कर, अरे इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़ दूं बहन, ये बाबा बहुत विचित्र होते हैं, पागल कर दें, ना जाने कौन सा मंत्र फूंक दें, ते बीमार है जाए मर जाए, ना जाने का कर दें, इन बाबाओं को कौन ठिकानों में। जो आदमी धर्मात्मा नहीं होता वो ऐसे ही बोलता है,
अय्या ये अच्छा बुरा मत मानना, साधु जी इन सबके पीछे हम आप ही कारण है। हम आप स्वयं बाबाओं के नाम पर डरवाते हैं बच्चों को। हमने कई माताओं को देखा, माता बेटा बिस्कुट खा जा वरना बाबा खा जाएगा। अच्छा बाबा तेरी बिस्किट का भूखा है नक्कटू, लेकिन क्या करें, बेटा खीर खा ले वरना बाबा खा जाएगा। माताएं बचपन से ही बाबाओं के नाम से डरवाती हैं, बच्चे बड़े होकर के बाबाओं के नजदीक झकते ही नहीं है। उन्हें वो बाबाओं का डर घुसे ही रहता है अंदर। एक बार एक व्यक्ति गुरु के पास आया, बोले महाराज जी आपकी फोटो चाहिए। बड़ी लंबी दाढ़ी थी उन महात्मा जी, बड़ी मूछ है, भाई फोटो क्यों चाहिए? श्रद्धा के लिए, पूजा के लिए? बोले पूजा के लिए नहीं, कभी कभी हमारा बालक रूठ जाता है, उसको फोटो दिखा करके डरवाएंगे कि मान जा वरना बाबा आएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। तो धुंधली की बहन ने डलवा दिया। तो धुंधली कहती है कि मैं पति को क्या जवाब दूंगी, वो तो बड़े विश्वास से कह गए, क्या जवाब देना है? ये फल्ले, ये जो गाय बहुत दिन से घर पर बंधी है, इसके कोई संतान नहीं है, उसे खिला। और वो हमसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? कुछ नहीं। धुंधली की बहन ने कहा, कुछ नहीं, तू गर्भवती होने का झूठा नाटक कर, मेरी कोख में अभी अभी बच्चा पल रहा, जो भी होगा बेटा या बेटी मैं तुझे रातों रात चुपके से आकर दे दूंगी, तू गर्भवती होने का नाटक कर। हमारे पति का मुंह बंद करने के लिए कुछ धन दे देना हमें, हम सब निपटा लेंगे मैटर, ये बढ़िया है। अब तो धुंधली बड़ी प्रसन्न, ना गर्भवती होना है ना रूप जाएगा, तो संतान भी हो जाएगी। गर्भवती होने का झूठा नाटक कर लिया और अपनी बहन के पास एक महीने जाकर के रह ली। धुंधली की बहन के कालांतर में एक बेटा हुआ, वो बेटा रातों रात धुंधली को आकर के दे दिया। धुंधली बड़ी प्रसन्न हुई, अपने पति के पास भागी भागी आई, नाथ बेटा हुआ है। ओहो, अब तो ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न भए, भैया संत का आशीर्वाद काम कर गया बेटा भैया, आहा ढोल बजाओ। ढोल नगाड़े बजने लगे, धूमधाम होने लगा, ब्राह्मण देवता को सब बधाइयां देने लगे। अब तो ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न। लेकिन भैया एक और विचित्र बात हुई, जो गाय को फल खिलाया था तो गाय को भी एक बेटा हुआ, पर बछड़ा या बछड़ी नहीं, गाय को जो फल खिलाया उस फल के प्रताप से, संत की वाणी के प्रताप से, संत के आशीर्वाद से गाय के भी मानवों जैसा एक बेटा हुआ। बस उस बालक के कान गऊ जैसे थे, बाकी पूरा नाक नक्शा मानव जैसा, बड़ा सुंदर बालक। अब तो हुजूम उड़ने उमड़ने लगा, भीड़ आने लगी ब्राह्मण के घर पे कि बताओ, पहले तो घर में एक छोरा नहीं था, अब तो गाय भी छोरा पैदा कर रही, चमत्कार हो गया साहब। बहुत दिनों बाद ब्राह्मण देवता ने अपने पुत्रों का नाम रखा, तो गौ कर्णो पंडितो ज्ञानी। जो गाय के पुत्र हुआ उसके कान गौ जैसे थे, तो उसका नाम रखा गौकर्ण, कान गौ जैसे तो गौकर्ण। अपने बालक का नाम रख ही रहे थे तब तक श्रीमती जी आ गए। क्या कर रहे स्वामी जी? देवी जी बालक का नाम रख रहे। महाराज 9 महीना कष्ट हमने भोगा है, नाम रखने को अधिकार भी आप मोए दो। अच्छा तुम रख लो देवी। महाराज मेरो नाम धुंधली तो मेरे बेटा का नाम धुंधकारी। और भागवत में आया गौ कर्ण
पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गौकर्ण बड़ा पंडित बना, ज्ञानी बना, पर धुंधकारी बड़ा चोर हुआ, खल हुआ बचपन से। बचपन काल में धुंधकारी जब छोटा था, चलने लगा था, तो जैसे ही उसने चलना प्रारंभ किया, आस पड़ोस के घर में प्रवेश करे, घुस जाए, और छोटे छोटे बच्चे पालने में सो रहे हो तो मार चाटिया लेके चार छह चाटा मार के आ जाए। कोई अंधा व्यक्ति धुंधकारी से अगर रास्ता पूछे तो वो कुआं में गिरने का रास्ता बता दे। इतना उजड्ड हुआ, पड़ोसी के घर का सामान ले वे, दूसरे के घर में धर देवे, दोनों की लड़ाई ठन जाए चोरी के चक्कर में। इतना उजड्ड, कोई अंधा आवे, भैया हमें रास्ता बताओ, तो कहीं कुआं में गिरने का, कहीं दूसरे गांव में पहुंचा दे, यही है तेरो गांव, बेचारों दिन भर ढूंढत ढूंढत मर जाए। इतना खतरनाक हुआ धुंधकारी। अरे बालपन की तो छोड़ो, सयाना हुआ तो एक दो नहीं, पांच बेस्याओं का गमन करने लगा। पांच बेस्याएं रख ली, जितनी संपत्ति थी सब बेस्याओं पे लुटाने लगा। और एक दिन उसने सब संपत्ति बेस्याओं में लुटा दी, पिताजी को बहुत मारा, आत्मदेव रोने लगे। पहले भी रो रहे थे, बेटा क्यों नहीं है, आज रो रहे हैं बेटा क्यों है। आज रोते रोते कहने लगे, इससे अच्छा तो बेटा ना होता तो ठीक था। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। गोकर्ण जी विद्वान थे, उन्होंने समझाया, पिताजी ये संसार सागर है, यहां कोई अपना नहीं। सोरे नर मुनि सबकी एहरी किसी का नहीं है। यहां सब स्वार्थ बस प्रेम करते हैं, अपना कोई नहीं है। तुम एक काम करो, भगवान का आश्रय लो, गोविंद का नाम जप करो। वन में आत्मदेव ब्राह्मण चले गए। एक दिन धुंधली देवी ने भी अंध कुएं में गिरकर प्राण त्याग दिए। अब तो कोई नहीं बचा घर में। गोकर्ण जी श्राद्ध करने गया जी गए तो धुंधकारी ने पांचों बेस्याएं घर पर बुला ली, उनको संपत्ति देने के लिए चोरी करने लगा। चोरी करता, धन चुरा चुरा करके लाता, उन बेस्याओं को देता। एक दिन बेस्याओं ने विचार किया कि ये राजा के घर पर चोरी करता है, कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा। राजा पूछेंगे संपत्ति कहां रखते हो, तो ये अपना नाम बता देगा। इसके साथ राजा हम तुमको भी फांसी दे देंगे। एक काम करो, खूब मटेरियल हो गया, अब इसका वध कर दो। तो रात को खूब मदरा पान करवाई धुंधकारी को।
और गले में फांसी का फंदा सोते समय डाल दिया, और फंदा डाल करके खींच करके उसके प्राण पखेरु उड़े दिए, जलते हुए अंगारे मुंह में ठूस ठूस कर भर दिए और गाड़ दिया उसे और भाग दिन। धुंधकारी मर गया। गोकर्ण बहुत दिन बाद वापस आए, एक प्रेत इनको घर में सताने लगा। गोकर्ण जी ने मंत्र का आवाहन करके प्रेत से पूछा, कौन हो तुम? वो प्रेत रोता हुआ कहने लगा, भैया मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूं, मैं प्रेत बन गया हूं। ओ, पर हमने तो तुम्हारे नाम से गया में बहुत श्राद्ध किया। भैया मैं कोई साधारण पापी नहीं हूं, मैं नंबर एक का पापी हूं। हमने जीवन भर पाप के अलावा कुछ नहीं किया, इसलिए एक बार नहीं हजार बार तुम गया में श्राद्ध करो, तब भी मेरा तरन तारण होने वाला नहीं है। तो क्या करूं? कोई आप ही उपाय करो भैया। ठीक है, तुम रो मत, शांत बैठ जाओ। और वो धुंधकारी प्रेत रूप में शांत हो गया। प्रातः काल गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान को अर्घ दिया और पूछा कि हमारा भाई प्रेत योनि में है, क्या करना चाहिए? तो आकाशवाणी हुई, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम् इति सूर्य वचः सर्वे धर्मम रूपम तु विश्रुतम। हे गोकर्ण जी, आप सप्ताह श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए। सात दिन की कथा प्रारंभ हुई, सब कथा सुनने पधारे, एक सात गांठ का बांस बांधा गया। उस बांस में एक सुराग था, छिद्र। धुंधकारी प्रेत बनकर आया, उस बांस की ऊपर की गांठ के छिद्र में जाकर बैठ गया वायु रूप में। तो पहले दिन की भागवत पूर्ण हुई, तो पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन की भागवत पूर्ण हुई, तो दूसरी ग्रंथी फट गई। तीसरे दिन की भागवत पूर्ण हुई, तो तीसरी गांठ फट गई। धीरे धीरे सने सने सातवें दिन सातों गांठें फट गई। एक बड़ा सुंदर रूप लेकर के चार भुजाओं वाला श्याम स्वरूप बना करके, मुख पर बढ़िया तेज कांति चमक रही थी, मस्तक पर बढ़िया मुकुट पहने हुए एक सुंदर युवक प्रकट हो गया। इतना सुंदर रूप देखकर गोकर्ण ने पूछा, भाई कौन हो तुम? तो प्रणाम करता हुआ बोला, भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी ही हूं। उसी समय भगवान श्री हरि के पार्षद विमान लेकर के आए धुंधकारी को ले जाने के लिए। ओ हो हो, और धुंधकारी बड़ी दिव्य स्तुति भागवत की करता, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो है। भागवत की कथा जो मुझ जैसे महापापी का तरन तारण कर दिया। धन है, धन है, धन है। बोलो भागवत भगवान की जय। धुंधकारी भगवान के लोक को गया। गोकर्ण जी ने दोबारा कथा की और पूरा गांव भगवान के लोक को गया। इस कथा का सार यह निकला, जो ध्यान पूर्वक भगवान की कथा को सुनता है, वो मरने के बाद, मृत्यु के बाद भगवान के धाम को जाते हैं।